हाय गाइस, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ अपना रियलिस्टिक सन टैनिंग रिमूवल रूटीन, जिसमें मेरे कुछ पर्सनल फेवरेट DIY मास्क हैं। और पहला है ये ड्रिंक, जिसने मुझे इंटरनली हेल्प किया स्किन लाइटनिंग में। इस ड्रिंक को बनाने के लिए आपको चाहिए कैरेट, बीटरूट और एक लेमन। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह सकती हूँ कि जब तक आप इंटरनली अपनी स्किन को इम्प्रूव नहीं करते हैं, तो एक्सटर्नली आप जो अप्लाई कर लो वो सब बेअसर है। तो बीटरूट और कैरेट हेल्प करता है इंटरनली डल और टैन स्किन को इम्प्रूव करने में, जो कंटिन्यूसली सन एक्सपोजर में आके टैन हो जाती है। मुझे लेमन डायरेक्टली स्किन पे लगाना नहीं पसंद है, तो मैं इसे अपनी डाइट में इंक्लूड करती हूँ, जैसे जूस, स्मूदी इसमें मिक्स करके ही लेती हूँ मैं। अब जूस निकालते टाइम मुझे पता नहीं था कि मेरा जार ब्रेक हो गया है, फिर मैंने इसे ग्राइंड करके इस तरह से जूस निकाला। तो अगर आपके पास भी जूसर नहीं है ना, तो आप भी इस तरह से जूस निकाल सकते हैं। तो अब इस जूस को आपको डेली इंक्लूड करना है अपनी डाइट में। ये रूटीन वही है जिसने मुझे हेल्प किया सन टैनिंग से निजात पाने में। तो ये तो हो गया हमारा इंटरनल केयर, जिसे हमें रोज अपनी डाइट में इंक्लूड करना है। अब एक्सटर्नल केयर में आपको इंक्लूड करना है ये DIY उपटन, जो बॉडी उपटन है। इसमें मिक्स करना है आटा, बेसन, सेम क्वांटिटी में ही लेना है। तो इसमें मिक्स करी हूँ सैंडलवुड पाउडर, लिक्रिश, और ये किचन वाली टर्मरिक है तो मैं ये यूज़ कर लेती हूँ। इसमें मिलाया है मैंने ऑलिव ऑयल या फिर जो भी अवेलेबल होता है वो मिक्स कर लेती हूँ। ऊपर से मिलाया है मैंने इसमें दूध। अब ये बन गया हैंडक्राफ्टेड बॉडी उपटन, जो ओल्डेस्ट कॉस्मेटिक प्रोसीजर है। तो इसकी जो थिकनेस है ना, वो कुछ इस तरह से रहेगी। इसे मैं मास्क की तरह अप्लाई करती हूँ फुल बॉडी पे और 10-15 मिनट के लिए रहने देती हूँ। इसी के बाद मैं इसे छुड़ाना स्टार्ट करती हूँ ऑयल की हेल्प से। ये इतनी इजीली नहीं छुटता है, इसे छुड़ाने के लिए आपको ऑयल की हेल्प तो लेनी ही होगी। तो इसका बेनिफिट ये है कि ये सन टैनिंग तो रिमूव करता ही है, साथ में आपके नेचुरली हेयर ग्रोथ को भी रिड्यूस करता है। इसका ना पहली बार यूज़ करना है, स्किन को इतना इम्प्रूव फील कराता है। मुझे तो बहुत मॉइस्चराइज लगती है अपनी स्किन, तो ये इम्प्रूव करता है स्किन टेक्सचर, ब्राइटन करता है और रिमूव करता है सन टैनिंग को। तो सन टैनिंग रिमूवल रूटीन में सबसे पहले आपको ये होममेड उपटन करना है, जिसका मैं कह सकती हूँ कि रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं रेगुलर यूज़ करने पे। तो वॉश करने के बाद स्किन कुछ इस तरह से नज़र आ रही थी, तो ये आप वीक में 2-3 बार कर सकते हो। अब नेक्स्ट यह हुआ है जॉइंट्स के लिए, जैसे कि एल्बो, नीज, एंकल। तो ये कुछ ऐसी बॉडी पार्ट है जहाँ पे हमारी पिगमेंटेशन ज़्यादा होती है, डार्कनेस की वजह से ना कॉन्फिडेंस भी लो हो जाता है जब भी हम कुछ पहनते हैं। तो ये जो दिया हुआ है ना, ये मेरा अजमाया हुआ है, मेरा फेवरेट है। तो ये किचन का मैंने हल्दी यूज़ किया है, इसे मैंने ब्राउन कर लिया है और इसमें अब मिक्स करेंगे हम शहद, मतलब हनी। तो थोड़ा सा मिलाना है, ज़्यादा नहीं मिलाना है। इसके जो कंसिस्टेंसी होगी ना, वो कुछ ऐसी होगी कि हमारी स्किन पे बिल्कुल चिपक जाएगा। मिक्स करना है इसमें टी ट्री एसेंशियल ऑयल की कुछ 3-4 ड्रॉप। अब ये हमारा रेडी हो गया है DIY मास्क जॉइंट्स पे लगाने के लिए। वैसे तो मैं इसे अंडर आर्म्स में भी अप्लाई कर लेती हूँ, क्योंकि अक्सर सबके जॉइंट्स और आर्मपिट्स में ज़्यादा पिगमेंटेशन होती है। वैसे मेरे तो नहीं है, मतलब अब नहीं है, क्योंकि ये मास्क मैं रेगुलर यूज़ करती हूँ। वैसे तो मेरी आर्मपिट्स बहुत क्लियर हैं और अक्सर मुझसे पूछा जाता है कि आप अपने अंडर आर्म रूटीन में क्या यूज़ करते हो। तो ये वही पैक है जिसे मैं अपने अंडर आर्म्स में यूज़ करती हूँ रेगुलर। तो आपको भी ये मास्क लगाने से क्लियर अंडर आर्म्स मिल सकती हैं, लेकिन एक बात का भी ध्यान रखें कि हो सकता है कि हेल्थ इशू या फिर हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा हो, या फिर हमारा जब वेट बढ़ता है तो भी हमारी डार्क अंडर आर्म्स हो सकती हैं। तो डार्क अंडर आर्म्स या फिर डार्क पिगमेंटेशन कहीं पर भी होने के ना बहुत सारे रीजंस होते हैं अपने, लेकिन जो एक नॉर्मल रीज़न होता है वो है सन टैनिंग और ना केयर करना। वैसे मेरे फीट्स पहले से बहुत इम्प्रूव हुए हैं, ड्रास्टिक चेंज आया है। तो मैं तो बहुत अच्छे से फॉलो करती हूँ अपना फुट केयर रूटीन रेगुलर।
आप स्किन केयर करूंगी मामा अर्थ विटामिन सी डेली ग्लो क्रीम से। ये इनरिच है विटामिन सी से जो ब्राइटन अप करती है स्किन को। इसमें टर्मरिक भी है जो इनरिच होता है एंटीऑक्सीडेंट में। ये नेचुरल ग्लो को इंक्रीज करके रिड्यूस करती है डलनेस को। तो मामा अर्थ के सारे प्रोडक्ट्स केमिकल फ्री होते हैं, ये बने होते हैं नेचुरल इंग्रेडिएंट से, तो सुटेबल है ऑल स्किन टाइप के लिए। आप स्किन को प्रोटेक्ट करूंगी मामा अर्थ विटामिन सी डेली ग्लो सनस्क्रीन से। इसमें एसपीएफ 50 एंड पीए प्लस 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 प्रोटेक्शन है। तो इसमें है विटामिन सी एंड टर्मरिक जो कि नेचुरल ग्लो को ऐड करके प्रोटेक्ट करता है हार्मफुल यूवी रे से और सनबर्न से भी हील करता है। यूज कर लो मेरा कूपन कोड गुल 2023 फॉर 20% ऑफ एट मामा अर्थ ऑफिशियल वेबसाइट एंड एप्लीकेशन। प्रोडक्ट अवेलेबल है अमेजन, फ्लिपकार्ट, नायका, पर्पल, मामा अर्थ की ऑफिशियल वेबसाइट एंड एप्लीकेशन पे। और ये अब आपके नियर बाय स्टोर में भी अवेलेबल है, तो जब भी स्पॉट करो मामा अर्थ का स्टोर तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और मामा अर्थ इंडियन ब्रांड है, तो जब भी आप बाय करते हो मामा अर्थ से तो वो आपके लिंक को ऑर्डर कर देते हैं वेबसाइट पे एक ट्री से, क्योंकि इनका एम है 2025 तक 1 मिलियन ट्री लगाने का। लिंक मैंने आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप चेक कर सकते हो। ये DIY मास्क स्पेशली मैं लगाती हूँ अपने फेस पे, तो ये फेस की टैनिंग रिमूव करने में हेल्प करता है। मिक्स करना है बीटरूट पाउडर, लिक्रिश सेम क्वांटिटी में, मिक्स करेंगे इसके ऊपर से दूध, मतलब दूध से बनाएंगे इसका पेस्ट। तो इसकी जो कंसिस्टेंसी होगी ना वो कुछ इस तरह से बनेगी। थिक ले लगानी है, मुझे थिक लगानी पसंद है। अब अगर आप मुझे रिलीजियसली फॉलो करते हो तो आप तो जानते ही हो मुझे बीटरूट खाना लगाना दोनों ही बेहद पसंद है, क्योंकि बीटरूट में होते हैं स्किन लाइटनिंग एंड वाइटनिंग प्रॉपर्टीज। तो इंटरनली जब हम इनटेक करते हैं बीटरूट का जूस तो वो हमारी स्किन को ब्राइटन अप करता है, लेकिन जब हम एक्सटर्नली अप्लाई करते हैं तो हमारा स्किन का टेक्सचर इम्प्रूव होता है। और जब मैं बीटरूट का बॉडी मास्क बनाती हूँ तो उसमें मैं बीटरूट और नीम का पाउडर मिक्स करके बनाती हूँ, लेकिन जब मैं फेस के लिए बनाती हूँ तो फिर बीटरूट में मैं लिक्विश पाउडर मिला लेती हूँ, और जब एक्स्ट्रा बन जाता है तो उसे मैं अपने हाथों में अंडर आर्म्स में अप्लाई कर लेती हूँ। तो ये मास्क आप ऑल्टरनेट डेज पे यूज़ कर सकते हो, पर जिस दिन आपका सन टैनिंग रिमूवल रूटीन डे हो उस दिन आपको ये सारी चीज़ें ऐसे ही फॉलो करनी है। इस मास्क को लगाते टाइम और लगाने के बाद दोनों टाइम पे बहुत अच्छा फील होता है, स्किन बहुत सूद फील करती है। अब ये है हमारा सन टैनिंग रिमूवल 2-in-1 मास्क जो बॉडी एक्सफोलिएटर के साथ बॉडी मास्क भी है। तो बनाना ऐसे है कि आपको शुगर लेना है, कॉफ़ी लेना है, हनी लेना है, और इसमें आपको मिलाना है कोई भी ऐसा ऑयल जो आपके घर में अवेलेबल हो, जैसे कि कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल, बस मस्टर्ड ऑयल मत मिक्स करना वरना स्किन डार्क हो जाएगी। और मिक्स कर लो इसमें बॉडी वॉश। तो ये अब हमारा बन गया DIY एक्सफोलिएटर मास्क। बनाने के लिए इसमें मिक्स करेंगे हम ऑरेंज पील पाउडर, तो अब ये 2-in-1 का काम करेगा, बॉडी मास्क भी और बॉडी एक्सफोलिएटर भी। तो इसे तुरंत यूज़ करना है वरना फिर जो इसमें शुगर है ना वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती है। जैसे हम घर पे नॉर्मली बॉडी शुगर स्क्रब बनाते हैं ना, ये उनसे थोड़ा सा अलग है क्योंकि इसमें हमने ऑरेंज पील पाउडर मिलाया है। तो ये बॉडी मास्क का भी काम करता है, तो इसको बस लगा के नहीं रखना है, आपको इससे जेंटली पूरी बॉडी को अच्छे से मसाज देनी है, कुछ इस तरह से आपको यूज़ करना है। तो मैं तो इसको तब लगाना पसंद करती हूँ जब मैंने बॉडी उपटन कर लिया होता है, तो आप भी कुछ इस तरह से कर सकते हो। और बेस्ट रिजल्ट के लिए आप इन सबको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ये है हमारा इस रूटीन का लास्ट DIY जिसमें मैंने यूज़ किया है मुल्तानी मिट्टी एंड एक्टिवेटेड चारकोल मास्क जो स्किन पे यूज़ किया जाता है। इसमें मिक्स करेंगे हम एलोवेरा जेल और थोड़ा सा पानी। तो ये बन गया हमारा अर्थ फुलर बॉडी मास्क जिसमें हमने मुल्तानी मिट्टी और एक्टिवेटेड चारकोल मास्क यूज़ किया है। चारकोल मास्क जो होते हैं ना वो दो तरीके के आते हैं, एक आता है एक्टिवेटेड और एक नॉर्मल। तो एक्टिवेटेड जो है ना वो हमारे स्किन की इम्प्योरिटीज़ को निकालता है, डलनेस को निकालता है, साथ में जो हमारे स्किन के अंदर क्लॉक पोर्स होते हैं ना उन्हें ओपन करने में हेल्प करता है। तो सन टैनिंग हो रही है ना उसको भी ये निकालने में हेल्प करता है। और इसका दूसरा बेनिफिट ये है कि डीपली क्लिंस करता है बॉडी को, तो ऑयल और सीबम को ये कंट्रोल करता है, साथ में ये ब्राइटन अप करता है स्किन को। लेकिन ये मैं आपको ऑप्शनल बोलूँगी क्योंकि इसको छुड़ाना इतना आसान नहीं है, मतलब
इसके लिए आपको शार तो लेना होता है बाद में, वो भी बॉडी शार। नॉर्मली आप इसको लगाने के बाद ऐसे छोड़ नहीं सकते हो, वरना फिर स्किन के अंदर ये घुस जाता है ना अंदर तक, तो फिर ब्लैकनेस फील हो सकती है, लेकिन वो होगी नहीं, लेकिन वो टेम्परेरी रहती है अगर आप अच्छे से बॉडी वॉश नहीं लेते हो। पर इसको यूज़ करने के बेनिफिट्स तो बहुत सारे हैं, चाहो तो इसे आप ट्राई कर सकते हो, लेकिन ये मैं आपको ऑप्शनल बोल रही हूँ। आप जो आपको डेली यूज़ करना है वो है 5% लैक्टिक एसिड बॉडी लोशन। तो इस तरह के बॉडी लोशन मार्केट में काफ़ी सारे हैं जिसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट में लैक्टिक एसिड मिल जाएगा, 5% हो तो ज़्यादा बेटर है। तो लैक्टिक एसिड सन टैनिंग पिगमेंटेशन रिमूव करने में हेल्प करता है, तो ये बॉडी लोशन आपको सिलेक्ट करना है। मार्केट में अफोर्डेबल भी अवेलेबल है, तो आप कोई भी सर्च करके अपने पॉकेट के अनुसार ले लेना। और सन टैनिंग होने का सबसे मेन रीज़न ये है कि जब हम अपनी बॉडी को कवर नहीं रखते हैं तो डायरेक्ट सनलाइट से आपको अपनी स्किन को बचाना है, जैसे कि एक्सपोज एरिया हो गए, हमारा फेस, हैंड्स, बैक, नेक, फीट्स, इन सबको अच्छे से कवर रखो। और हाँ, एक ऐसा सनस्क्रीन भी यूज़ करना है जिसमें SPF 50 PA++ की प्रोटेक्शन भी हो। तो जब भी कहीं बाहर जाओ तो सनस्क्रीन ज़रूर अप्लाई करो, इंडोर में एक बार को आप अवॉइड कर सकते हो। तो ये है मेरा सन टैनिंग बॉडी रिमूवल डे, जिस दिन मैं ये सब फॉलो करती हूँ स्टेप बाय स्टेप। आप भी एक बार ट्राई करके देखो, रिजल्ट्स तो अच्छे मिलेंगे ज़रूर। तो इस वीडियो को एंड करने से पहले आज मैं पहली बार दूंगी शाउट आउट दीपिका दिप्स को, जिन्होंने ये वीडियो मुझे रिक्वेस्ट किया था काफ़ी टाइम से। शाउट आउट टू यू गर्ल। और नेक्स्ट शाउट आउट के लिए सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट मी डाउन बिलो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई विल सी यू नेक्स्ट वन, बाय गाइज़।